हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या समझा था, विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है ना, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध भी हमने समझ लिया था। अच्छा, विद्युत वाहक बल के बाद की जो हेडिंग वो टर्मिनल विभवांतर, ये क्या होता है। विभवांतर आप समझते हो ना, एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। सेम वैसे ही टर्मिनल है, जैसे टर्मिनल मतलब दो ध्रुव हो गए, यहाँ एक प्लस होता है एक माइनस होता है, कोई परिपथ से जुड़ा हुआ है ना, परिपथ है आपका, तो यहाँ पे प्लस के कारण निकलेगा आवेश, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आवेश निकलेंगे। तो आवेश को पूरे परिपथ में, मतलब किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल अगर हमको आवेश को भेजना है, तो जितना कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर क्या होता था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को भेजने के लिए किया गया कार्य। यहाँ पे बिंदु ना कहके हम लोग टर्मिनल कहेंगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य होता है उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं ना। तो इसको आप समझ लो, एक टर्मिनल से, परिभाषा इसकी कुछ ऐसे आप ले लो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रवाहित करने में। अच्छा, कौन प्रवाहित करेगा, सेल प्रवाहित करेगा ना, प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो क्या होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, सेल जितना काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पे फार्मूला आपको ड्राइव करना होता है, वो फार्मूला क्या होता है वो समझते हैं, देखो क्या होता है। यहाँ भी बाहरी प्रतिरोध आ रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे बाह्य प्रतिरोध आर में, ठीक है, आवेश प्रवाहित करने पर। अब आवेश निकल के यहाँ पे जाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, है ना। बाह्य प्रतिरोध आर में आवेश प्रवाहित करने पर कार्य डब्लू हो, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी कार्य। स्मॉल आर पे होगा तो आंतरिक कार्य होगा, अगर बाह्य प्रतिरोध पे होगा तो बाह्य प्रतिरोध आर में आवेश प्रवाहित करने पर कार्य डब्लू एक्सटर्नल हो तो टर्मिनल विभवांतर हमको टर्मिनल विभवांतर निकालना है। विभवांतर हमको विभवांतर का फार्मूला पता है, वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू होता है ना, तो यहाँ पे वी बराबर हो जाएगा डब्लू, कार्य कितना है डब्लू एक्सटर्नल बटे में क्यू, ठीक है। यदि प्रतिरोध कितना है आर है, तो आप लिख सकते हो कि वी बराबर डब्लू ई एक्स टी एक्सटर्नल अपॉन क्यू। अच्छा, वी बराबर आई इंटू कितना होता है, आर होता है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। प्रतिरोध कितना है, आर है। किसके नियम से, ओम के नियम से। कहने का मतलब जो आपका ये विभवांतर है ना, ये वी बराबर आई टू आर, आई और आर के बराबर जो है ना, ये तो हो गया बाहरी प्रतिरोध पे। अब आंतरिक प्रतिरोध पे कार्य देखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध द्वारा व्यय ऊर्जा, आंतरिक प्रतिरोध द्वारा व्यय ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल वी ले लो आप, स्मॉल वी, वी बराबर वही चीज आई इंटू कितना हो जाएगा, ओम के नियम से धारा तो आई ही प्रवाहित हो गई, लेकिन प्रतिरोध कितना हो गया, आर हो गया। हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य है ना, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है सेल द्वारा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव ही होता है, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी के क्या होता है, बराबर हो जाएगा ये, और ये क्या है, एक प्रकार का
एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही है ये भी, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, इसको लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर कैपिटल वी प्लस में कितना स्मॉल वी, कुल विद्युत वाहक बल, यहाँ पे जितना विभव उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे जितना विभव उत्पन्न हो रहा है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, इसको आपको लिखना नहीं। अच्छा, ए बराबर हो जाएगा वी की जगह आप कितना लिख सकते हो, कैपिटल वी की जगह आई इंटू कैपिटल आर, स्मॉल वी की जगह आई इंटू कितना स्मॉल आर, इसमें आपको आई निकालना होता है, तो दोनों में आई कॉमन ले लो, आई कॉमन हो जाएगा तो आर प्लस आर बचेगा, तो आई बराबर आ जाएगा ई, ये दोनों चीजें आपके गुणे में धरा के भाग में हो गई। ये आपका मेन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। इसको आप शब्द में भी लिख सकते हो, आई बराबर ई क्या है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल का मतलब समझ लो ये विभव और ये विभव जोड़कर, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में आर प्लस आर, बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, है ना। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है धारा का, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कैसे होता है, आप एक बार यहाँ पे कार्य निकाल लोगे, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू फार्मूला होता है, वी बराबर आई इंटू आर भी, तो बहुत सिंपल है, धारा आई है ना, और प्रतिरोध कितना आर है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव कितना होगा, वी बराबर आई इंटू आर, विद्युत वाहक बल निकालना है, कुल विभव वी प्लस में वी हो जाएगा, वी की जगह आई इंटू आर, इस वी की जगह आई इंटू आर, आई कॉमन ले ली तो आर प्लस आर हो जाता है ना, ये चीज मल्टीप्लाइंग द्वारा के डिवाइडिंग हो गई, इस वी तो कुल विद्युत वाहक बल बटे में कितना होता है, कुल प्रतिरोध हमारा होता है कुल धारा, से फार्मूला यहाँ कवर होता है। इस चीज से आप देखो समीकरण एक को लेकर अगर हम चले, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से ए बराबर कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी है, ई बराबर कैपिटल वी को ना चेंज करो, कैपिटल वी को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक, कहीं कहीं विभव आपको दे दिया जाता है, इस वी की जगह हम कितना ले सकते हैं, स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू कितना हो जाएगा आर, तो आपको वी निकालना होता है, ई ये प्लस में इधर आगे इसमें हो जाएगा माइनस में, तो v बराबर हो जाएगा e माइनस आई आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कैपिटल v बराबर e माइनस कितना होता है आई आर, तो दोनों फार्मूले आपको समझ में आए, आप यहाँ पे v की वैल्यू रख सकते हो, यही चीज मिल जाएगा आपका, ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, तो ये हमारा फार्मूला होता है v बराबर e माइनस का आई आर। टर्मिनल विभवांतर क्या कहते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को प्रवाहित करना चाहते हो तो जो कार्य करना पड़ेगा वही टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीन शॉट है, इंपॉर्टेंट चीज है, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीखेंगे हम लोग नियम, किरचॉफ का नियम बहुत ज़्यादा आता है ना, तो उनको आप चलो पढ़ाते हैं, इसको मिटा गया ना, किरचॉफ का नियम, हेडिंग डाल दो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। देखो एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, इन्होंने बहुत से जटिल परिपथों को सॉल्व करने का एक नियम दे दिया है ना, इसकी सहायता से आप धारा की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कहीं भी आपको प्रतिरोध निकालो, बहुत सारे परिपथ ऐसे करके आपको दे दिए गए हैं एक दूसरे से इंटरलिंक करके, ऐसे करके यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध, तो कैसे निकालोगे प्रतिरोध का मान या धारा का मान, उन्होंने इसका नियम दिया है, आप इनके नियम को अगर फॉलो करोगे तो बहुत आसानी निकाल सकते हो, है ना, तो वही नियम हम लोग सीखने वाले हैं क्या होता है। देखो इसके पहले आप समझ लो, ये हमारा बिंदु है, ये हमारा कोई बिंदु है, यहाँ पे तार जुड़े हुए हैं ऐसे करके हैं, ठीक है, आप ऐसे मान लो, ये जो सिंबल है मतलब धारा आ रही है, अब धारा आएगी तो यहाँ बिंदु पे तो इकट्ठा रहेगी नहीं, ये कहीं ना कहीं जाएगी, तो कुछ आप तार ऐसे बनाओ तो जिनसे धारा जा रही है, ऐसे करो जिनसे धारा जा रही है, अच्छा देखा, नाम लिख दो, आई वन हो गया, आई टू हो गया, आई थ्री हो गया, आई फोर हो गया, आई फाइव हो गया, आई सिक्स, आई कितना हो गया, सेवन है, आई फोर नहीं, आई सेवन है। तो यहाँ पे इनका नियम जो कहता है, अच्छा जो धारा बिंदु की ओर आ रही, ध्यान से सुनना हमारी बात को, जो धारा जो है बिंदु की ओर आ रही उनको प्लस में लिया जाता है, और जो धारा बिंदु से दूर जा रही उनको किस में लिया जाता है, माइनस में। हम लिख देते हैं, जो धारा बिंदु की ओर आ रही है, बिंदु की ओर आ रही है,
आ रही है धनात्मक होती है, धनात्मक लिया जाता है, उन्हें धनात्मक लिया जाता है ना, लिया जाता है। जो धारा बिंदु से दूर जा रही है, जैसे यहाँ पे ये धारा क्या है, बिंदु से दूर जा रही है, तो कौन लोग धनात्मक लेंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, जो धारा बिंदु से दूर जा रही है, बिंदु से दूर जा रही है, उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है, उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। ये किरचॉफ का नियम तो है नहीं, पहला नियम नहीं, हम लोग दो नियम होते हैं, प्रथम नियम अभी समझेंगे ना। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, हेडिंग डाल दो प्रथम नियम, प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम। इनका प्रथम नियम क्या होता है, पहले नियम समझ लेते हैं। किसी संधि पर, ये हमारा संधि है, किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका योगफल शून्य होगा। बीज गणितीय योगफल कितना होगा, शून्य होगा, बस यही याद रखना है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय का मतलब क्या होता है कि प्लस में है तो प्लस में रखी जाएंगी, माइनस में है तो माइनस में। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, है ना, यही चीज होता है। क्योंकि यहाँ बिंदु पे धारा इकट्ठा तो होगी नहीं, ये निकल जाएगी, तो कुल धारा यहाँ पे कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, समझो। अर्थात सिग्मा आई, समेशन आई बराबर जीरो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। सभी धाराओं का योगफल कितना होगा, शून्य होगा। बहुत आसान है, किसी संधि पर ये सभी तार आके एक संधि बना रहे हैं, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही है सभी धाराओं का योगफल कितना होगा, शून्य होगा। हमारे साथ आप दोनों, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, किसी संधि पर मिलने वाली, जैसे ये है ठीक, ये धारा आ रही है और ये धारा क्या हो रही है, हो रही है यहाँ पे आई, ऐसे धारा आ रही है और यहाँ पे धारा क्या हो रही है, निकल रही, तो यहाँ पे कितनी धारा बचेगी, कोई धारा नहीं बचेगी, शून्य हो जाएगा। तो किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योगफल कितना होता है, शून्य होता है। अच्छा, अब आप समझो, यहाँ पे आई वन धारा संधि की ओर आ रही है, तो जो धारा बिंदु की ओर आती है वो धनात्मक लिया जाता है। बिंदु का मतलब संधि समझ लो, तो आई वन हमारी किस में होगी, प्लस में होगी, प्लस। आई टू भी धारा, देखो ध्यान से, ये आई टू क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, ध्यान से समझना है। आई थ्री संधि से दूर जा रही है, तो आई थ्री किस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये धारा बिंदु से क्या हो रही है, दूर जा रही है ना। आई फोर दूर जा रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आई फाइव दूर जा रही है संधि से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, समझना है बस। आई सिक्स संधि की ओर जा रही, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। आई सेवन संधि की ओर जा रही, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में, बराबर जीरो। सभी धाराओं का योगफल कितना हो जाता है, इनके हिसाब से, किरचॉफ के हिसाब से, सबका जोड़ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर इनको आप कुछ और लिख सकते हो, आई वन प्लस कितना, आई टू, और कौन सा प्लस में है, आई सिक्स है, और प्लस में कितना, आई सेवन। अच्छा, आई थ्री निगेटिव इधर आके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई फोर निगेटिव इधर आके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव, ये माइनस में इधर आके किस में, प्लस में। तो ये हमारा होता है क्या, अब इनको दूसरे नियम से भी लिख सकते हो, किरचॉफ का प्रथम नियम दूसरे तरीके से बता सकते हो। आई वन, आई थ्री, आई सिक्स, आई थ्री नहीं होगा, आई टू होगा, है आई टू, आई वन, आई टू, आई सिक्स, आई सेवन। आई वन संधि की ओर आ रही है, आई टू संधि की ओर आ रही है, आई सिक्स संधि की ओर आ रही है, आई सेवन संधि की ओर। तो इसको आप लिख सकते हो कि संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली ये सभी धाराएं क्या है, संधि की ओर आ रही है, आने वाली धाराओं का योगफल, आने वाली धाराओं का योगफल ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आई थ्री, आई फोर, फाइव,
आई थ्री दूर जा रही, आई फोर दूर जा रहा है, आई फाइव दूर जा रहा है, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं के योगफल बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल। तो आप इस नियम को कुछ ऐसे ही बता सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है, यही हमारा किरचॉफ का पहला नियम होता है। ऐसे बता सकते हो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के, ठीक है। या फिर बहुत बढ़िया है कि किसी संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, शून्य होता है। एक बार देख लें कैमरा से, नहीं चलती, हाँ चल रहा है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे अच्छा एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है, वो ये होता है कि बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम आधारित है, ये आवेश संरक्षण के नियम कहा जाता है। आवेश आपका संरक्षित हो रहा है, जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जो है निकल जा रहा है, यहाँ पे आवेश नष्ट नहीं हो रहा। तो आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश संरक्षण का नियम है ना, के नियम पर आधारित है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को भी दर्शाता है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम, संधि का नियम या आवेश संरक्षण का नियम, ये किरचॉफ का नियम ही होता है। समझ में आए इतनी सारी चीजें, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, जीरो होता है। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आई का मतलब क्या है, धारा, धाराओं का योगफल कितना होगा, शून्य होगा। तो ये किरचॉफ का क्या था, प्रथम नियम था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम आपको सेकेंड नियम बताए, ठीक है, बता रहे हैं। अब द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या इसे हम लोग बोलते हैं पास का नियम। पहला था संधि का नियम, ये हो गया पास का नियम, है ना। इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। अब हमको यहाँ पे देखिए क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, हमने लिख रखा है आपको ताकि समय ज्यादा न लगे। द्वितीय नियम या पास का नियम कहते हैं, इसमें होता क्या है, कुल विद्युत वाहक बल, ध्यान से सुनो, कुल विद्युत वाहक बल मतलब ई जो होता है, कुल विद्युत वाहक का बल का योगफल जो होता है वो परिपथ में कुल विभवांतर वी के योगफल के बराबर होता है। किसी बंद पास में, बंद पास का मतलब जो सर्किट है क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इसे हम इसीलिए इसको लोग पास का नियम नहीं कहते हैं, द्वितीय नियम को। किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल मतलब कुल विद्युत वाहक बल का जो मान होगा, इसको हम लोग सिग्मा ई लिखते हैं। परिणामी विद्युत वाहक बल मतलब कुल विद्युत वाहक बल, योगफल कह सकते हो, ठीक है। परिपथ में विभवांतरों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, सिग्मा वी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा विभवांतर का मतलब क्या होता है, किसका, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यही तो विभवांतर होता है। तो आप इसको दूसरे तरीके से बता सकते हो, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल वहां पर प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। देखो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो रहा है, सिग्मा मतलब क्या, जितने भी चीजें हैं सबको हम लेंगे क्या, जोड़ लेंगे, है ना। तो फिलहाल ये ज्यादा ही बड़े ऊपर वाला ना, इसी को लगाना, कुल विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न कुल विभवांतर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। बंद पास का नियम, बंद परिपथ होना चाहिए। चलो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, परिपथ जो आपका बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चिन्ह परिपाटी हम लोग समझते हैं, किधर जाएंगे तो प्लस में विद्युत वाहक बल होगा, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में विद्युत वाहक बल होगा। देखो क्या होता है, ये ए से बी है, ए से क्या भैया, बी है, ठीक है, ये आपका सेल लगा हुआ है। अगर आप बी से ए की ओर जा रहे हो, समझो यहाँ पे बी से ए मतलब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं ना, तब विद्युत वाहक बल प्लस में ले जाएगा। ध्यान से रखना, माइनस से प्लस की ओर जिसकी ओर जाओ वही चिन्ह होता है, प्लस की ओर जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, है ना, समझ में आया। अगर माइनस से प्लस की ओर, बी से ए की ओर जा रहे हो तो प्लस में लिया जाएगा। अब यहां से ए से बी की ओर आए मतलब प्लस से माइनस की ओर विद्युत वाहक बल लेगा। समझाएंगे आपको क्या चीज,
ए से बी की ओर है ना, प्लस से माइनस, माइनस की ओर जा रहा है, तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या होगा, माइनस होगा। समझो आप यहाँ पे, ये तो हो गया विद्युत वाहक बल। अगर हमको विभवांतर नापना हो, देखो धारा यहाँ पे कैसे प्रवाहित हो रही, ए से बी की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब धारा की दिशा में अगर हम लोग जाते हैं, ए से बी की ओर आएंगे, तो जो हमारा विभवांतर होगा वो प्लस में होगा। ध्यान समझना, अगर आप धारा की दिशा में आ रहे हो, धारा की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो विभवांतर क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे धारा ए से बी की ओर हो रही है, हम लोग बी से ए की ओर जाएंगे, बी से ए की ओर धारा के विपरीत दिशा में, तब आपका विभवांतर निगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, विभवांतर निगेटिव लिया जाएगा। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम में ये चीज नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ एनिग्मा लिखना, अरे परिभाषा लिखनी होती है, आपको फिगर बनाना होता है, इस फिगर का थोड़ा सा आपको डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। हम लोग समझेंगे कि इस कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे जटिल परिपथ को। तो आपको यहाँ पे बंद पाथ दिख रहा है ए बी सी डी, पहले इतना लेते हैं, ये परिपथ ए बी सी डी, तो इसको हम लोग लिखेंगे बंद पास, बंद पास ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, फिर से बंद खोलते हैं ना ए में, ये चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखना, आप देख ले फोकस तो नहीं कर रहा है, चलो साइड में है ना। तो बंद पास ए बी सी डी ए, हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। अच्छा समझो, ए से बी की ओर आए, ठीक है, ए से बी की ओर, तो हमको पता है कि किरचॉफ का नियम क्या कहता है, सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा वी के, कुल विद्युत वाहक बल कुल विभवांतर के बराबर होता है, है ना। तो सिग्मा ई ए से बी की ओर, देखो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर प्लस से माइनस की ओर, यहाँ पे देखो ए से बी की तरफ प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल हमारा इवन होता है, नाम लिखा इवन मान लो, ठीक है, क्या होता है इवन, हाँ। तो ए से बी की ओर प्लस से माइनस की ओर, है ना, तो माइनस होगा, जो इवन होगा हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, समझ रहे हैं। ए से बी की ओर आ रहे हो, प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इवन हमारा क्या होगा, माइनस में हो गया। अच्छा, अब बी से सी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगेगा, लेकिन सी से डी की ओर, ध्यान समझो ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, सी से डी की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से अगर हम लोग प्लस की ओर जाएंगे, देखो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे जो ई टू है ये किसमें होगा, धनात्मक होगा, क्या समझ में आया। आप ए से बी की ओर जा रहे हो, मतलब प्लस से माइनस की ओर, तो इवन हमारा निगेटिव हो गया है, ठीक। सी से डी की ओर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर, तो ई टू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगली बात क्लियर हुई, चलो अब विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या है, ए से बी की ओर विभवांतर आई इंटू आर होता है। देखो आप धारा की दिशा पर ध्यान दो, आप ए से धारा किधर जा रही, बी से ए की ओर, धारा की डायरेक्शन ये है, ऊपर हमने बना रखा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी पास हमने ए बी लिया है, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर क्या होता है, माइनस में। तो यहाँ पे धारा आपकी आई वन है, प्रतिरोध कितना है, आर है, आप ए से बी की ओर जा रहे हो, धारा उल्टी दिशा में जा रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ सी से डी की ओर में, देखो कि धारा किधर जा रही है, सी से डी की ओर, आप भी क्या करो, ए बी आए, बी से सी आए, सी से डी की ओर जाएंगे, सी से डी की ओर, तो आई टू बी फी डायरेक्शन, हम लोग बी फी डायरेक्शन में आ रहे, धारा की दिशा में जाएंगे, विभवांतर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो विभवांतर। अच्छा, यहाँ पे धारा कितनी आ रही है, आई टू है, प्रतिरोध कितना है, आर टू, समझ में आया, विभवांतर आई टू इंटू आठ हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो E2 पहले लिख लो, माइनस का E1 बराबर आई टू आर में, आई टू आर टू माइनस आई वन, ये कितना हो गया, आर में, तो कुल विद्युत वाहक बल कुल विभवांतर के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा होता है बंद पास का नियम, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो परिपथ को। एक बार और समझ लो, ए बी सी डी ए बंद परिपथ हो गया, बंद पास हो गया, है ना। सिग्मा ई बराबर होता है सिग्मा वी के, तो सिग्मा ई का मतलब ए से बी की डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल माइनस होगा, ठीक है। बी सी में कोई बैटरी नहीं लगी, कोई से नहीं लगा, सी से डी माइनस से प्लस की ओर, तो ई टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से बस केवल दो ही है विद्युत वाहक बल, है ना, दो ही विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पे जो सिग्मा वी की है विभवांतर है आई वन आर वन होता है। अब यहाँ ए बी डायरेक्शन में जा रहा, धारा हमारी बी ए डायरेक्शन में आ रहा है, तो निगेटिव लेंगे आई वन आर वन, आई वन आर वन,
सी से डी क्यों, धारा बी फी डायरेक्शन में, तो प्लस में आई टू आर टू हो जाएगा। प्लस वाली चीजें पहले लिख ली, माइनस वाली चीजें हमने कर लिया बाद में। इसको आप नोट कर लो थोड़ा सा मिटा के, एक पास और आपको समझा दें। हैश पे फॉल करने का ये चीज आपको समझ में आई, बंद पास ए डी।